हेलो माय डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि अगर आप दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप आगरा से बाहर के हैं या आप डेली अप डाउन नहीं कर सकते, तो आप किस तरह से हॉस्टल में रह सकते हैं, हॉस्टल का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है या हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, या आप किस तरह से हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप हॉस्टल का जो मैस रूटीन है वो क्या है या किस तरह से सीट्स हैं हॉस्टल की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, और अगर आपने दयालबाग एजुकेशनल में एडमिशन से रिलेटेड हमारी वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और DI से रिलेटेड अपडेट के लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको पता चलता रहे हमारी वीडियोस का अपडेट सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर दयालबाग के कितने हॉस्टल्स हैं। तो फ्रेंड्स, दयालबाग में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ही हॉस्टल अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं। यानी अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं BSc के लिए इस बार 200 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो 200 में से हो सकता है कि कुछ 5 या 1 या 2 स्टूडेंट्स को ही हॉस्टल मिले, तो क्योंकि उस हॉस्टल में लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं सबसे पहले कि हम हॉस्टल के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं या हॉस्टल में रूम लेने के लिए कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आप दयालबाग में एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अपना फॉर्म भरेंगे या वेब रजिस्ट्रेशन फिल करेंगे तो उसमें आपको पूछा जाएगा हॉस्टल रिक्वायर्ड है या नहीं, तो आपको वहाँ पर येस या नो जो भी है वो आपको फिल करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपको हॉस्टल मिल सकता है या नहीं। जैसा कि आपको फ्रेंड्स स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा ग्रीन ब्लॉक में कि हॉस्टल रिक्वायरमेंट पे इधर नो लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप एक एप्लीकेशन भी दे सकते हैं और इसके लिए जो भी लिस्ट आएगी कि कितने बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं, तो उसके लिए भी आप ध्यान रखिए थोड़ा कि कहाँ पर लिस्ट आती है, वो हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दूँ कि हॉस्टल में आपका मोबाइल अलाउड नहीं है और ना ही आपके कॉलेज कैंपस में मोबाइल अलाउड है। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहता है आप सभी का, तो मैंने क्लियर कर दिया है, ना ही हॉस्टल में और ना ही कॉलेज कैंपस में मोबाइल अलाउड है। अगर आप मोबाइल ले जाते हैं तो उससे आपको उससे कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और हम मोबाइल के लिए भी स्पेशली एक न्यू वीडियो बनाने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिए। और फ्रेंड्स, मैं दूसरी बात ये बता दूं कि जो कॉलेज हॉस्टल से जो कैंपस है वो ज़्यादा दूर नहीं है, यानी 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही है। और फ्रेंड्स, मे बी आपको शायद ही हॉस्टल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, आप हॉस्टल में आराम से रह सकते हैं। चलिए देखते हैं हॉस्टल से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने दयालबाग की लिंक से कुछ PDF डाउनलोड कर रखे हैं, तो मैं आपको वहीं पर जाकर दिखाती हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल का जो है उस पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम गर्ल्स हॉस्टल का भी जो मैंने PDF डाउनलोड किया है वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं PDF ओपन हो चुका है ये बॉयज़ हॉस्टल का। तो इसके बाद यहाँ पर हॉस्टल फंक्शनरीज दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि कितने वार्डन हैं या फिर कितने केयर टेकर वगैरह हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हॉस्टल के कंपोनेंट हैं, यानी हॉस्टल में आपको क्या क्या रूम या क्या कितने रूम्स या क्या क्या जो हैं वो मिल सकते हैं या मिल रहे हैं वो लिखा हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेली रूटीन हॉस्टल का दिया हुआ है जो कि बॉयज़ का है, और उसके बाद यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी हुई हैं कि कितनी फैसिलिटीज़ हॉस्टल में हैं। तो खेलने की भी यहाँ पर स्पोर्ट फैसिलिटी है, जिसमें टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट वगैरह वगैरह आप खेल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो सोलर पैनल से रूफ़ मिलेगी, और क्योंकि दयालबाग में पूरा इसी टाइप से सोलर पैनल यूज़ हुए हैं। और इसके बाद है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने रह सकते हैं वहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया था कि हॉस्टल में लिमिटेड सीट्स हैं, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस
कोर्स के कितने स्टूडेंट हॉस्टल में रुक सकते हैं, तो आप देख लीजिए, सीट्स काफ़ी कम है कई कोर्सेज की, तो क्योंकि लेकिन बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो ही मोस्टली यहाँ पर आकर रहते हैं, तो सीट्स आप देख सकते हैं। अगर उसके बाद है ऑफिस बियर्स ऑफ द हॉस्टल, तो इसमें कितने जो मेंबर्स हैं वो रहते हैं हॉस्टल में, वो भी आपको यहाँ पर ऑफिस के दिख जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो हॉस्टल के स्टार थे उनका नाम दिया हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं अब हम गर्ल्स हॉस्टल की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है यहाँ पर वुमेन का हॉस्टल, जो कि 2012 में ओपन हुआ था, इसलिए यहाँ पर इस तरह से आपको उसका मेन गेट देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है टोटल इसमें 51 रूम है ग्राउंड फ्लोर पर और 53 रूम है फर्स्ट फ्लोर पर, और 117 गर्ल्स ग्राउंड फ्लोर पर रह सकती हैं और 143 गर्ल्स फर्स्ट फ्लोर पर, यानी टोटल 270 गर्ल्स यहाँ पर रह सकती हैं। इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स थे रहती भी हैं यहाँ पर। और फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पर जो वार्डन है वो हर समर रहता है पूरे टाइम। उसके बाद यहाँ पर जो भी कुक हैं वो रहते हैं, मेड्स वगैरह रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है हॉस्टल चार्जेस कितने हैं, तो पर मंथ आपका 700 to 800 लिखा हुआ है, वो 1000 के अप्रॉक्स खाने का, मेस का और इलेक्ट्रिसिटी बिल का वो जाता है। और जो हॉस्टल की फ़ीस है वो सेमेस्टर के साथ आपकी अलग से जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है कि कितनी जो लाइब्रेरी टाइप है वो किस तरह से है, रीडिंग रूम है, और इसके बाद यहाँ पर आपको एक रूम का फ़ोटो भी दिख रहा होगा आपको, और कितने रूम्स हैं वहाँ पर, जैसे सिक रूम है और बाकी सब इंफॉर्मेशन भी आपको दिख रही है। सीसीटीवी कैंपस है जहाँ पर इंडोर गेम खेलने के लिए लाइक बैडमिंटन, चेस, कैरम बोर्ड वगैरह वगैरह आप खेल सकते हैं। कंप्यूटर रूम है, और फ्रेंड्स आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख भी सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा क्लीनिंग ऑफ कैंपस, तो फ्रेंड्स बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में ही ये है कि हाँ आपको थोड़ी बहुत सफाई करने का मौका मिलेगा। तो और फ्रेंड्स एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि DI में आपसे काम कराया जाता है, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही सच है, लेकिन कई हद तक ये लोग बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए न्यू वीडियो हम बनाएंगे, तो आप हमारी उस वीडियो का भी वेट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो या क्वेश्चन हो या फिर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।